चीज में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है कि जो गेहूं प्रमोशन, जो गेहूं के ब्रादर प्रोक्योरमेंट है सरकार की तरफ से, जो फाइनल वहां पर नंबर्स आए हैं उसे अगर आप पिछले सालों के हिसाब से कंपेयर करें तो ये 3 साल में सबसे बड़ा नंबर है। हमारे साथ वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। इवन एज सरकार के टारगेट से काफी कम है नंबर्स में, ऑफकोर्स हमने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्पैरिटी आते हुए देखी है, लेकिन 26.6 इवन इन दैट सेंस पिछले साल और उसके पहले साल के मुकाबले फिर भी ऑन द हायर साइड है। क्या ये नंबर कुछ कंफर्ट पहुंचाता है ट्रेड को और सरकार को, या फिर जो हमारा एज ऑफ नाउ अब तक स्टैंड रहा है कि लोअर नंबर है, फसल भी कमजोर रह सकती है, प्राइवेट ट्रेड के पास यहां पर गेहूं है, हम उस पर स्थित हैं? देखिए ये केवल स्टैटिस्टिकली मार्जिनली जस्ट हायर नंबर है, कोई जो है बड़ा जंप नहीं है। जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल टारगेट था 36 मिलियन, उससे तो फिर भी काफी नीचा है, और जो एक्चुअल जरूरत है उससे भी जो है काफी नीचे है। अजय जी जिस तरह से अब मार्केट की तरफ से काफी ज्यादा नॉइसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं कि इंपोर्ट नेसेसरी हो जाएगा, इसके ऊपर भी बातचीत है कि चाहे क्या वो इस क्वार्टर में होना चाहिए, साल के लास्ट क्वार्टर में होना चाहिए जब गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी, यहाँ पर विंटर क्रॉप है, आप कैसे देखते हैं उस स्थिति को? आपको क्या लगता है जिस तरह से अब यहाँ पर डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी है, स्टॉक लिमिट्स है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है प्राइवेट ट्रेड के पास? नहीं तो अभी जो है थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड है, समझ लीजिए 23 जुलाई तक जो है सबको जो है अपना स्टॉक एज पर एक्ट जो है लिमिट के अंदर लेके आना पड़ेगा, तो तब तक जो है कोई ज्यादा गतिविधि या एक्टिविटी या तेजी मंदी होएगी नहीं। एक बार वो लेवल आउट हो जाए उसके ऊपर, उसके बाद डिमांड डिपेंडेंट मार्केट रहेगा, और मुझे लगता है कि डिमांड भी जो है अच्छी खासी निकल जाएगी 10-15 दिन में, क्योंकि मौसम भी बदल चुका है, आप देख रहे हो, और हर जगह जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जरूर जो है ये मार्केट एक होप वाला मार्केट बन गया है, जहां पर मार्केट होप कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है इंटरवीन जल्दी करेगा ओएमएसएस द्वारा, या जो फाइनल बटन है वो इंपोर्ट का है, वो भी अगर जरूरत पड़ी तो जो है गवर्नमेंट इस टाइम हिचकिचाएगी नहीं और उसको खोल देगी और ड्यूटी घटा देगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट के सारे जो एक्शंस है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बाजार को नियंत्रण में रखना चाहती है। एब्सोल्युटली अजय जी, आप काफी सारे लोगों से बात होती रही है जो गेहूं के आसपास और गेहूं को समझते भी हैं, पर ये चीज क्लैरिटी हम आपसे लेना चाहेंगे। अब ये माना जा रहा है कि जो बेकरी है, जो प्रोडक्ट्स है, नॉट द लिस्टेड बिग एफएमसीजी कंपनीज, लेकिन जो लोकल्स हैं, रीजनल प्लेयर्स हैं, वो अब यहाँ पर लो क्वालिटी वीट की तरफ जाने लगे हैं बेकरी के बिजनेस के लिहाज से, आपने इस तरह की खबरें सुनी है और आपका क्या रिएक्शन है अवेलेबिलिटी को लेकर और द पॉइंट कि अब बाजार ऑफ कोर्स एक स्टेप नीचे उतर रहा है? नहीं देखिए, मुझे ऐसे लगता नहीं है कि कोई लो क्वालिटी पर हर आदमी वैल्यू ढूंढता है, वो जो बेकर होता है और उसके कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कभी वो कोको पाउडर की वजह से जो है सफर करता है, कभी घी, कभी शक्कर, तो ही हैज लर्नड अब तक जो है कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करना, पर डेफिनेटली जो फूड क्वालिटी है उसको कोई डिग्रेड इन एनी मैनर करता नहीं है, लेकिन हर आदमी बेस्ट ऑप्शन, प्राइस ऑप्शन जरूर ढूंढता है मार्केट में। तो अब आपको क्या लगता है, सरकार यहाँ पर सारे स्टेप्स उठा चुकी है और एक इंपोर्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन है, ओएमएसएस भी शायद सरकार यहाँ पर आगे जाके करेगी, अगर एक स्ट्रैटेजी बनानी हो यहाँ से अब आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिहाज से, तो आपको क्या लगता है स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाना चाहिए? देखिए जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है वेरी सिंपल, 1 स्टॉक लिमिट, 2 ओएमएसएस, 3 इंपोर्ट, ये प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। और ये कैसे प्ले आउट होएगा, हो सकता है हर क्वार्टर में एक एक चीज जो है अनवील हो, तो इस क्वार्टर में तो गवर्नमेंट ने जो है स्टॉक लिमिट लगा दी है, आने वाले क्वार्टर में उम्मीद है कि ओएमएसएस स्टार्ट हो जाएगा, तब तक अगर बाजार जो है फिर भी जो है स्पाइक करता रहे और अपवर्ड मोमेंटम रहे तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट लिमिटेड इंपोर्ट या कोई तरीके से जो है सप्लाई को बढ़ाने का जो है तरीका ढूंढेगा। एक और फाइनल सवाल यहाँ पर अजय जी, और जिस तरह से ये स्टॉक लिमिट्स हैं, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं, बाजार का ये भी मानना है और ये काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में भी उजागर होता हुआ नजर आया है कि लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन वो बताया नहीं जा रहा बिकॉज फीड के तौर पर या फिर उसको अलग उपलक्ष्यों से यहाँ पर इसे होल्ड भी किया जा रहा है, एक दो हमने रेट्स भी उस तरह से पढ़ते हुए देखी हैं, वो खबरें भी हैं यहाँ पर मार्केट्स में, आप कहेंगे अब वो शायद हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेवलेंट होता हुआ देखेंगे? तो ऐसा है, जो फार्मर का स्टॉक है मेरे ख्याल से उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर फार्मर के ओनरशिप में रखा हुआ कहीं पे स्टॉक तो उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपने कहा फीड के तौर पे भी अगर किसी ने रखा हुआ है
और वो रियली लो क्वालिटी है। हाँ, हो सकता है कुछ इलाकों में लोगों ने अंडरस्टेट किया हो स्टॉक, या जो है बिल्कुल ही नहीं किया हो, पर मुझे नहीं लगता वो 4-5-10% से ज्यादा, वो मार्जिनल प्लेयर्स रहे होंगे नॉन कॉरपोरेट या जो नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में। कुछ लोगों ने ऐसी हिम्मत की होगी, वो जो है धीरे धीरे जो है बाजार में आ जाएगा, सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, मेरा ये मानना है। ऑलराइट, अजय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात भी करने के लिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर सरकार यहाँ पर नई चीज़ें लेके आ सकती है, इस क्वार्टर ऑलरेडी हमने यहाँ पर अदर लास्ट क्वार्टर में हमने स्टॉक लिमिट लगता हुआ देखा था, ये जो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर क्वार्टर है OMSS की तरफ यहाँ पर सरकार की नज़र रहेगी, और अगले क्वार्टर में शायद हम इम्पोर्ट भी यहाँ पर आता हुआ देखें। और जहाँ तक जो अंडर स्टेटेड स्टॉक्स हैं, सरकार का रवैया वहाँ पर काफ़ी हार्श हो चुका है, वो भी एक चीज़ है जो हम आने वाले समय में शायद और आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, जब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।